इशारा शुरू होने को है। आज के हमारे साबे सदर जनाब जहाद शमसी साहब होंगे। आपका पूरा नाम मोहम्मद जाहिद अब्बासी है। 1964 से शायरी कर रहे हैं, उर्दू और पंजाबी में लिखते हैं और कभी कभार अंग्रेजी में भी लिखते हैं। 17 किताबें छप चुकी हैं और 3 किताबें जेर तबा हैं। उनके काम पर एमफिल भी हो चुका है और पीएचडी के मकाले के लिए रिसर्च हो रही है। अतदाद इजाजत मिल चुके हैं। आलमी शोहरत याफ्ता गुलूकारों ने उनका कलाम गाया है। नात खां हजरात ने नाते पढ़ी हैं। कई तंजीमों में आला उहदों के हामिल हैं। कई टीवी प्रोग्रामों की मेजबानी कर चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप सदारत की कुर्सी पर बार अजमान हो ताकि मुशायरा शुरू किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप मुशायरा का आगाज कीजिए। बिस्मिल्लाह जी। अब मैं जनाब इसहाक आजम साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि नात पेश करें। जी साबे सदर की इजाजत से। जी बिस्मिल्लाह। खाकसार 5 फरवरी 2020 को मदीना मुनव्वरा में था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फजल से। और वहां पर कुछ नातिया अशार एक खास मुकाम पे अल्लाह ताला ने अता किए, तो वो मैं आपकी खिदमत में सादतन पेश कर रहा हूँ। जी इरशाद अता कीजिए। दयार नबी में मेरा लौट आना, मुझ पर खुदा का ये एहसान का। दयार नबी में मेरा लौट आना, है मुझ पर खुदा का ये एहसान का। मेरी खुश नसीबी कि मैं फिर से आया, हुए दिल पे पूरे अरमान का। यही पाक दर तो जन्नत का टुकड़ा, जहां तेरे रोजे का पाक मुकड़ा, कहां मुझ में ताकत बयां करने पाऊं, तेरे सब्ज गुंबद की जो शान कहां मुझ में ताकत बयां करने पाऊं, तेरे सब्ज गुंबद की जो शान का। मुकाम मेरे आला जना पर खड़ा, मुसल्ले पे सजदे
मैं रो पड़ा। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे जन्नत पर खड़ा मुसल्ले पे सजदे में मैं रो पड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आँखें पहुँचेंगे अरशे बरी तक, दिल में मेरे सब तूफान पलट जाऊं खाली ये मुमकिन नहीं, वो भर दे गजो ये कामिल यकीन। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्र, बहुत कामिल यकीन है। ये मुमकिन नहीं है, वो भर देगा झोली ये कामिल यकीन। माशा माशा, मैं सजदे में गिर कर दुआएं तो कर लूं, करूं तेरा पूरा मैं फरमान। माशा, दे में गिर कर दुआएं तो कर लूं, करूं तेरा पूरा मैं फरमान का। प्यारे नबी तेरी गलियों में घूमा, तेरे नक्श पाको बड़ बड़ के चूं। माशा प्यारे नबी तेरी गलियों में घूमा, तेरे नक्श पाको बड़ बड़ के चूं, तेरी खाके पाको पेशानी का झूमर बनाया तो मेरी बड़ी शान का। तेरी खाके पाको पेशानी का झूमर बनाया तो मेरी बड़ी शान का। शिफात का अपनी दिखा कर नजारा, बरोजे हशर भी बनना सहारा। शिफात का अपनी दिखा कर नजारा, बरोज़े हश्र भी तू बनना सहारा। ऐ शाफ़ी महशर शिफ़ात पे तेरी, ऐ शाफ़ी महशर शिफ़ात पे तेरी, है आज दिलो जहां से कुर्बान का।
شافی محشر جبات تیری اے عاجز دل و جان سے قربان میں یہ گزارش کروں گا کہ جو وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ اعلان فرما دیں کہ ہر شاعر کو کتنا کلام پڑھنا چاہیے اور کتنے منٹ پڑھنا چاہیے. جی, ایک ہی شاعر کو ایک ہی غزل پڑھنی چاہیے جو پانچ یا سات اشعار سے زائد نہ ہو. کافی ہیں, بیچ کے قریب ہیں ہمارے, تو ان کو ہم نے نعت پاک میں ہم خاموش رہے اس لیے کیونکہ اس میں ٹائم کافی کنزیوم ہوا ہے, لیکن پیچھے منظر نگاری بہت خوبصورت تھی اور بہت ہی عمدہ نعت انہوں نے پیش کی. جی جی, آگے شکریہ. اگلی شاعرہ ہیں ہماری, ہمارے محترمہ نیل احمد صاحبہ, پہلی بار ہمارے مشاعرہ میں تشریف لائی ہیں. 16 سال کی عمر سے انہوں نے شاعری شروع کی ہے. 8 برس قبل میدان ادب میں آئیں, اردو زبان میں شعر کہتی ہیں. نوجوان سخنور کا ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں. کراچی سے ان کا تعلق ہے. ان سے درخواست ہے کہ اپنا کلام پیش کریں. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے بہت شکریہ کہ اس عالمی آن لائن مشاعرے میں آپ نے مجھے مدعو کیا اور تمام احباب سے ملاقات بھی ہوئی اور خوبصورت اور بہت ہی دلگیر نعت جو ہے وہ بھی مجھے سننے کو ملی. بہت اچھا لگا. ایک غزل کے چند اشعار ذاتی طور پہ مجھے بھی پسند ہے اور آج کل یہ پسند بھی کی جا رہی ہے تو میں وہی سنا دیتی ہوں. عطا کیجیے. یہ جو دروازوں کی آہٹ سے کھڑے ہوتے ہیں کان, اچھا یہ جو دروازوں کی آہٹ سے کھڑے ہوتے ہیں کان, خوف کی دیوار میں چھپ کر بڑے ہوتے ہیں کان. بہت اچھے. یہ جو دروازوں کی آہٹ سے کھڑے ہوتے ہیں کان, خوف کی دیوار میں چھپ کر بڑے ہوتے ہیں کان. میں جو کہتی ہوں یہ اس سے بڑھ کر سن لیتے ہیں بات. میں جو کہتی ہوں یہ اس سے بڑھ کر سن لیتے ہیں بات. جیسے منہ اور آنکھ میں بھی دو جڑے ہوتے ہیں کان. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میں جو کہتی ہوں یہ اس سے بڑھ کر سن لیتے ہیں بات. جیسے منہ اور آنکھ میں بھی دو جڑے ہوتے ہیں کان. ایک تناسب کو مسلسل جھیلتا ہے یہ بدن. ایک تناسب کو مسلسل جھیلتا ہے یہ بدن. ایک سر کے دونوں جانب ہی گڑے ہوتے ہیں کان. ایک تناسب کو مسلسل جھیلتا ہے یہ بدن. ایک سر کے دونوں جانب بھی گڑے ہوتے ہیں کان. ایک دستک کی للک سونے نہیں دیتی انہیں. میں تو سو جاتی ہوں چوکھٹ پر پڑے ہوتے ہیں کان. بہت خوب. بہت خوب. کیا کہیں. بہت شکریہ. ایک دستک کی للک سونے نہیں دیتی انہیں. میں تو سو جاتی ہوں چوکھٹ پر پڑے ہوتے ہیں کان. اور آخری شعر ہے کہ آج سن کر انسنی کر دی ہے میری بات بھی. آج سن کر انسنی کر دی ہے میری بات بھی. ایسے لگتا ہے کہ آپس میں لڑے ہوتے ہیں کان. آج سن کر انسنی کر دی ہے میری بات بھی. ایسے لگتا ہے کہ آپس میں لڑے ہوتے ہیں کان. یہ جو دروازوں کی آہٹ سے کھڑے ہوتے ہیں کان, خوف کی دیوار میں چھپ کر بڑے ہوتے ہیں کان. بہت خوبصورت. بہت شکریہ. صاحب صدر سے ہمیں داد مل گئی ہے اور کیا چاہیے. جی جی, بہت بہت شکریہ. بہت اچھا کہتی ہیں نیلا. بہت اچھا کہتی ہیں. جی, ہمارے ایک دو دوست ذرا جلدی میں ہیں, ان کی باری پہلے آئے گی. ڈاکٹر ہیں ہمارے پاس, ڈاکٹر طارق انور باجوا صاحب ہیں. جی جی جی, ماشاء اللہ بہت اچھا کلام کہتے ہیں. ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنا کلام پیش. السلام علیکم. جی, میں ابھی وائس آف اسلام ریڈیو سے پروگرام کرنا ہے اس لیے مجھے جلدی ہے ذرا, تو
तो अर्ज करता हूँ आपकी इजाजत से शमसी साहब। जी 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 इरशाद इरशाद कीजिए। आज की ताजा गजल है, आज ही की है। सुभान अल्लाह। अर्ज किया है कि आईना जो भी मिला घर में शिकस्ता निकला, आईना जो भी मिला घर में शिकस्ता निकला, आई सूरत जो नजर अपनी वो हंसता निकला। नजर अपनी वो हंसता निकला, और हम तो दम भर को चले आए थे साथ उसको लिए, हम तो दम भर को चले आए थे साथ उसको लिए, हम जहाँ पहुंचे वो मैखाने का रास्ता निकला। इरफान की बारिश जो हुई सब ने कहा, आज इरफान की बारिश जो हुई सब ने कहा हमने जब भी उसे देखा वही अफ्ता निकला। जुल्मतें नूर से टकरा के ही दम तोड़ेंगी, जुल्मतें नूर से टकरा के ही दम तोड़ेंगी, जो भी आता है अजल से यही कहता निकला। यही कहता बहुत बहुत कौन रोके जो मुकद्दर में हो गालिब होना, कौन रोके जो मुकद्दर में हो गालिब होना, वो एक सैल रवान जैसे हो बढ़ता निकला। बढ़ता निकला। अच्छा बहुत बहुत। लोग अर्ज किया कि लोग बेताब हुए गलियों में फिरते क्यों हैं, लोग बेताब हुए गलियों में फिरते क्यों हैं, क्या कहीं फिर से कोई शहर में दस्ता निकला। कोई शहर में दस्ता निकला, और हमने जान दे के मोहब्बत की अमां पाई है, हमने जान दे के मोहब्बत की अमां पाई है, जो किया हमने था सौदा बड़ा सस्ता निकला। बहुत बहुत किया हमने था सौदा बड़ा सस्ता निकला, और मेरे ख्वाबों में चला आया वो मेहमान बनकर, राह में आंखें बिछाई तो वो चलता निकला। आंखें बिछाई तो वो चलता निकला, और मुख्तार है कि तारिक इस शहर के लोगों के मसाइल क्या हैं, तारिक शहर के लोगों के मसाइल क्या हैं, हमने जिस शख्स को देखा वही डरता निकला। वही डरता निकला। बहुत 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 डरता निकला, और आईना जो भी मिला घर में शिकस्ता निकला, शिकस्ता निकला, और आई सूरत जो नजर अपनी वो हंसता निकला। बहुत शुक्रिया। मैं जनाब दावत कलाम दूंगा, जनाब सियालकोट से हैं डॉक्टर इलियास आजत साहब, उनका तारफ तो नहीं मेरे तक पहुंचा, वो खुद अपना तारफ करवा दें मामूली सा। जी मैं डॉक्टर मोहम्मद इलियास आजत, लेक्चरर उर्दू पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सियालकोट, साहबे सदर की इजाजत से। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी जजाकल्ला। पढ़िए। मुझको दिल से भी चाहते हैं आप, मुझको दिल से भी चाहते हैं आप, हाथ उनका भी थामते हैं आप, सारी नफरत मेरे लिए उनको, ख्वाब में भी पुकारते हैं आप, वाह, साथ मरने की भी कसम खाई, साथ मरने की भी कसम खाई, पीछे फिर उनके भागते हैं आप। अच्छा बहुत बहुत। मोल कोई नहीं मोहब्बत का, मोल कोई नहीं मोहब्बत का, फिर वफा आपने बेचते हैं आप, करके मुझसे दगा मोहब्बत में, करके मुझसे दगा मोहब्बत में, फिर मेरी वफा जांचते हैं आप। अच्छा। वाह वाह। साथ देकर रकीब का बरसों, साथ देकर रकीब का बरसों, एक मुझको ही पछाड़ते हैं आप, साथ देकर रकीब का बरसों, एक मुझको ही पछाड़ते हैं आप, फिक्र कोई नहीं मुझे भी खैर, फिक्र कोई नहीं मुझे भी खैर, आज किसको नवाज़ा। शुक्रिया बहुत बहुत जी। फरकान फैजी साहब से गुजारिश है कि अपना कलाम सुनाए, ये नेपाल से हैं नौजवान शायर, ये अपना कलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। वालेकुम अस्सलाम,
जिन्होंने इतना खूबसूरत मौका फराहम कराया और इस आलमी मुशायरे का हिस्सा बनाया। मैं मोहम्मद खान फैजी नेपाल से, मैं साहिब सदर की इजाजत से एक कथा और एक गजल से कुछ शेर, इसके बाद ज़मत तमाम। अता कीजिए। मुखालिफों की सताइश में लग गया है वो, मुखालिफों की सताइश में लग गया है वो, लग गया है वो मेरे खिलाफ ही साजिश में लग गया है वो, मेरे खिलाफ ही साजिश में लग गया है वो, और दुआ करो कि उसे कामयाबी मिल जाए, दुआ करो कि उसे कामयाबी मिल जाए, मुझे भुलाने की कोशिश में लग गया है वो, लग गया है वो मुझे भुलाने की कोशिश में लग गया है वो। और गजल का मतलब देखिएगा कि हर एक सवाल का तेरे जवाब होना था। अच्छा। हर एक सवाल का तेरे जवाब होना था, किसी भी तौर मुझे कामयाब होना था, एक सवाल का तेरे जवाब होना था, किसी भी तौर मुझे कामयाब होना था, कोई करे भी तो ताबीर क्या करे उसकी, कोई करे भी तो ताबीर क्या करे उसकी, वो ख्वाब जिसका मुकद्दर ही ख्वाब होना था, ख्वाब होना था, ख्वाब होना था। बहुत शुक्रिया आपका। शेर देखिए बतौर खास के, तुम्हारे हाथ में पत्थर है, तुम्हारे हाथ में पत्थर है इसका क्या मतलब, तुम्हारे हाथ में पत्थर है इसका क्या मतलब, तुम्हारे हाथ में अब तो गुलाब होना था, तुम्हारे हाथ में अब तो गुलाब होना था। बहुत शुक्रिया। देखिएगा कि वो लौट आया मुकद्दर की बात है वरना, वो लौट आया मुकद्दर की बात है वरना, वो शख्स मुझको कहाँ दस्तयाब होना था, वो शख्स किसी के दस्ते दुआ ने उसे भी टाल दिया, किसी के दस्ते दुआ ने उसे भी टाल दिया, जो जुर्म इश्क में मुझ पर अजाब होना था, जो जुर्म इश्क में मुझ पर अजाब होना था। और आखिरी शेर दुआओं के साथ नजर है, मुलाहिजा करें कि छुपाए फिर से गुनाहों को कब तलक आखिर, छुपाए फिरते गुनाहों को कब तलक आखिर, गुनाहगार को तो बेनकाब होना था, गुनाहगार को तो बेनकाब होना था। और मक्ता देखें कि ए फैजी इश्क तो अदना सा एक बहाना है, ए फैजी इश्क तो अदना सा एक बहाना है, नहीं तो वैसे भी मुझको खराब होना था, नहीं तो वैसे भी मुझको खराब होना था। शुक्रिया बहुत बहुत जनाब। अगले हमारे शायर हैं जनाब शहजादा कमरुद्दीन साहब ग्लासगो से, ये एक इनका दीवान छप चुका है, तो मैं उन्हें दरखास्त करता हूं कि अपना कलाम सुनाएं। जनाब शहजादा कमरुद्दीन साहब ग्लासगो। हाँ जी, जूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी साहब सदर की इजाजत से, बिस्मिल्लाह, इजाजत हो तो मैं भी दास्तां अपनी बयां कर लूं। अच्छा है, वाह। भरी महफिल को शेर व शायरी से राजदां कर लूं। बहुत खूब, बहुत हजूरे वाला। कहर ढाया जा रहा है हजरत इंसान पर, हम गिराए जा रहे हैं रात दिन लिबनान पर। अच्छा। जुल्म जारी है अभी तक फौज इसराइल का, मुख्तसर लिखता हूँ मैं मौका नहीं तफसील का। वाह वाह वाह। हो रहे हैं कत्ल यूं मासूम बच्चे रात दिन, जैसे करते हैं बापा यही तो फितने रात दिन, जान लेना फौज इसराइल का बस खेल है, कितने मासूमीन से उसकी भरी हर जेल है, सैकड़ों की जान लेने का उसे कुछ गम नहीं, और फलस्ती पर भी हैं उसके मुजालिम कम नहीं, जाने किस किस की जमीनों पर भला काबज है ये, जंग का हामी है ये, जंग का हामी है ये, और सुलह का
मुनकिर है ये। अच्छा है। उसको हथियारों की है इमदाद से ताकत मिली, उसको अमरीका का हासिल है तावन हर घड़ी। गम है ये, गम है ये, कोई नहीं है साथ देने के लिए। सारे इस्लामी ममालिक हैं तमाशाई बने, वाह 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 वाह, हैं अरब के सब ममालिक खौफ के मारे हुए, कोई भी राजी नहीं इमदाद करने के लिए। अच्छा, कोई भी राजी नहीं इमदाद करने के लिए। आखिरी शेर है, कर रहा है ये मुबशिर तुझसे ऐ मालिक दुआ, मशर के वस्ता में निकले अमन का अब रास्ता, ढाया जा रहा है हजरत इंसान पर। ये थे चंद अशआर हालात हाजरा के नजर में। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिदा फातिम साहब, इनका तलक शहर सियालकोट से है, ये नौजवान शायर हैं, ये इनसे दरख्वास्त है कि अपना कलाम पेश करें। पहले तो आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक इस कामयाब मुशायरे की। और गजल के अशआर हैं कि इससे बढ़कर शदीद लेंगे क्या, इससे बढ़कर शदीद लेंगे क्या, बेवफा से उम्मीद लेंगे क्या। अच्छा, इससे बढ़कर शदीद लेंगे क्या, बेवफा से उम्मीद लेंगे क्या। अपनी गुर्बत मिटाने की खातिर, अपनी गुर्बत मिटाने की खातिर झोली भर के मजीद लेंगे क्या। अपनी गुर्बत मिटाने की खातिर झोली भर के मजीद लेंगे, और दिल को अपने जो दे रहे हैं मुझे, दिल को अपने जो दे रहे हैं मुझे, इसकी लेंगे क्या। इसकी मुझसे रसीद लेंगे क्या। आपके घर में गाजी रहते हैं, आपके घर में गाजी रहते हैं, मेरे घर से शहीद लेंगे क्या। आपके घर में गाजी रहते हैं, आपके घर में गाजी रहते हैं, मेरे घर से शहीद लेंगे क्या। ऐसा है कि जिनका किबला ना एक हो फातिम, जिनका किबला ना एक हो फातिम, साईं ऐसे मुरीद लेंगे क्या। साईं ऐसे मुरीद लेंगे मोहब्बत जाहिर हर उसकी अदा से, किसी बात पर आजमाया तो क्या है। अच्छा, मोहब्बत जाहिर हर उसकी अदा से, किसी बात पर आजमाया तो क्या है। मुझे भी तो उससे मोहब्बत है बेशक, मुझे भी तो उससे मोहब्बत है बेशक, कदम उसने आगे बढ़ाया तो क्या है। बहुत उसे देखने की तमन्ना है सबको, राणा साहेब, उसे देखने की तमन्ना है सबको, अगर देखने चांद आया तो क्या है। उसे देखने की तमन्ना है सबको, अगर चांद देख, अगर देखने चांद आया तो क्या। उसे देखने की तमन्ना है सबको, अगर देखने चांद आया तो क्या है। छुपाया ना मैंने कभी उससे कुछ भी, पंडित साहब जी, छुपाया ना मैंने कभी उससे कुछ भी, तो उसने भी पर्दा उठाया तो क्या है। शुक्रिया। छुपाया ना मैंने कभी उससे कुछ भी, तो उसने भी पर्दा उठाया तो क्या है। तेरी याद में मस्त रहता है कौकब,
तेरी याद में मस्त रहता है कौकब, मिलन को जो दर पे बुलाया तो क्या है, तेरी याद में मस्त रहता है कौकब, मिलन को जो दर पे बुलाया तो क्या है, उसे देखने की तमन्ना है सबको, अगर देखने चांद आया तो क्या है, चांद आया तो क्या है। जनाब मैं अगले शायर को दावत कलाम दूंगा, जनाब शायक नसीर पुरी साहब हैं, दो मजमूए कलाम के मुसन्नफ और खालिक, और बहुत ही अच्छे शायर, और मजाया भी कहते हैं, संजीदा भी कहते हैं, जनाब शायक नसीर पुरी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम व बरकातहू। सदर साहब की इजाजत के साथ बिस्मिल्लाह जी इरशाद कीजिए। जी अर्ज किया है कि दर्द की शाख से खुशबू को चुराने वाले, आ गए बाग में ये कैसे घराने वाले। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुक्रिया। जिंदगी तुमने ही हम ऐसों को बर्बाद किया, जिंदगी तुमने ही हम ऐसों को बर्बाद किया, जिंदगी हम थे तेरे नाज उठाने वाले। नाज उठाने वाले वाह 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 वाह। जिंदगी हम थे तेरे नाज उठाने वाले। कुदरत का कानून है, कुदरत का यही है इंसाफ, खुद ही मिट जाते हैं। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत अच्छे। शहर में राज अंधेरों का है चारों जानब। अच्छा। शहर में राज अंधेरों का है चारों जानब, कैसे रूपोश हुए शमे जलाने वाले। कैसे रूपोश हुए। बहुत बहुत अच्छे। अब वही बोते हैं कांटे मेरी राहों में सदा। अब वही बोते हैं कांटे मेरी राहों में सदा, जो थे राहों में मेरी फूल खिलाने वाले। फूल खिलाने वाले जी। और मत तर्द किया है कि कैसा इंसाफ है दुनिया के चमन का शायक, कैसा इंसाफ है दुनिया के चमन का शायक, साय से दूर हुए पेड़ लगाने वाले। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पेड़ लगाने वालों के साथ ऐसे होता है। दर्द की शाख से खुशबू को चुराने वाले, वाह वाह, आ गए बाग में ये कैसे घराने वाले। बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। अगली शायरा है हमारी आशा चांद साहिबा, उनका असल नाम बीबी आशा है, आयशा चांद साहिबा उनका नाम, असल नाम बीबी आशा है, उनका तलक इंडिया के शहर मैसूर से है, 700 सफात की एक किताब उनकी छप चुकी है, वो उसका नाम भी बताएंगी। बहुत अच्छी उर्दू शायरी करती हैं, आज हमारी महफिल सुखन में मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त है कि अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम हजरात, सदर साहब की इजाजत से जी एक खता और एक गजल पेश करना चाहूंगी। मैं इंडिया से ताल्लुक रखती हूँ, मैसूर टीपू की सरजमीन से मेरा ताल्लुक है। माशाल्लाह। एक 700 सफहात पे मुश्तमिल किताब दो गज जमीन मंजर आम पर आ चुकी है। दो गज जमीन जिसमें एक तहकीकी मखाला लिखा गया है, किताब का नाम दो गज जमीन है। बहुत खूब सुनिए, खता मुलाहिजा फरमाइए। सदर साहब की इजाजत चाहती हूँ कि जी अता कीजिए। मिजाज लोग भी पत्थर निकल गए, शीशा मिजाज लोग भी पत्थर निकल गए। जो फूल थे गुलाब के वो खंजर निकल गए, जो फूल थे गुलाब के वो खंजर निकल गए। दो चार दिन गरीबी के आसार क्या हुए, दो चार दिन गरीबी के आसार क्या हुए, अहबाब मेरे साए से बचकर निकल गए। अहबाब मेरे साए से बचकर निकल गए। अहबाब मेरे साए से बचकर निकल गए।
गजल मुलाहिजा फरमाइए, गजल का मतलब है। तो मुशायरे को आगे बढ़ा दीजिए, ये दोबारा इन्हें आप दावत दीजिएगा, दावत अच्छा, कलाम दोबारा दीजिए। ठीक है, जनाब इब्ने करीम साहब हैं पाकिस्तान से? जी मैं हाजिर हूँ। जनाब अपने कलाम से नवाजिए। सदर मजलिस की इजाजत से नाज पेश करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह अता कीजिए। उन्वान है बख्शे है जिला रूह को खुशबू मदीना। जी मेहरबानी। हम सल्ले अला पढ़ते चले सूए मदीना, सुभान अल्लाह, फिर कुछ ना जटा आंख में जुज रूए मदीना। ये तिश्ना लबी उम्र की एक पल में मिटाए, मिल जाए जो एक बूंद भी आज दुए मदीना। पढ़ते ही चले जाएंगे ता उम्र हमा वक्त, दिलकश है बहुत नगमाए आहुए मदीना। करती हैं दिलो जां को मुअत्तर वो फिजाएं, करती हैं दिलो जां को मुअत्तर वो फिजाएं, बख्शे है जिला रूह को खुशबूए मदीना। माशाल्लाह। नजराना जां पेश नजर करके बस अज़्ज़, नजराना जां पेश नजर करके बस अज़्ज़, देखेंगे बसद शौक हसीन रूए मदीना। फिर अर्ज है वाबस्त है दामन मेरा जिस आली नसब से, हर गाम पे हासिल है उसे खुए मदीना। है जलवा फारान अजब शान का जलवा, है सबसे हसीन आज वो कुए मदीना। सदर मजलिस शेर सुनिएगा। अब और किसी ताज की ख्वाहिश नहीं दिल में, अब और किसी ताज की ख्वाहिश नहीं दिल में, वल्लाह मुझे काफी है बस मुए मदीना। मक्ता अर्ज करता हूँ, हाफिज तमन्ना है कि उड़ता हुआ कर जाए, हाफिज की तमन्ना है कि उड़ता हुआ कर जाए, काबे का सफर और नजर सुए मदीना। हम सल्ले अला पढ़ते चले सुए मदीना, फिर कुछ ना जचा आंख में सुए मदीना। जी खाकसार को इजाजत दें, मैं चांद शेर अर्ज करता हूँ जनाब। जी जी ये कीजिए। शीशे पड़े हुए हैं पत्थर की सोच में, शीशे पड़े हुए हैं पत्थर की सोच में, पत्थर है कोहेजार के अंदर की सोच में, चलती हुई हैं कश्तियां मंजिल की राह पर, साहिल भी हैं खामोश समुंदर की सोच में। मौसम नजर है आ रहे चेहरों के साथ साथ, और आईना शफाफ है मंजर की सोच में। मंजर की सोच में सोचों में दिल्ली और है इस्लामाबाद एक, सोचों में दिल्ली और है इस्लामाबाद एक, डूबी है दोनों ताकतें लश्कर की सोच में। एक शाही रंग है हर एक के खून का, एक शाही रंग है हर एक के खून का, रहता है सुर्ख रंग ही खंजर की सोच में। बहुत अच्छे। अपने ईमान की नहीं है सोचता कोई, अपने ईमान की नहीं है सोचता कोई, अमाल दूसरों के हैं अक्सर की सोच में। सही बात है, बिल्कुल सही बात। अज़ान कहनी है आसीन सुबह दम, उठकर अजान कहनी है आसीन सुबह दम, पढ़कर दरूद आ गया बिस्तर की सोच में। शीशे पड़े हुए हैं पत्थर की सोच में, पत्थर है कोहेजार के अंदर की सोच में। मैं अगले शहर जनाब बिशारत रिहान साहब हमारे शायर हैं, हमारे मुशायरों में आते रहते हैं, इनका तल्लुक कनाडा से है। मौजूद है बिशारत रिहान साहब? मौजूद है।
जनाब आए मैदान में, आए तशरीफ लाए। जी हजूर, मैं अर्ज करता हूँ ये आज का नातिया गजलिया क्या मुशायरा है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पहले नात अपने ज़ौक के मुताबिक कुछ भी सुना दे यहाँ। चलो भी सुना दो यार, कोई गजल अच्छी सी सुना दो, गजल अता कीजिए कोई। जी गजल, मैं गजल कर लेता हूँ। अब्दुल हमीद साहब, जब भी आप आए सरे सहने चमन है जाने मन। हाँ वाह वाह सदर, आपकी इजाजत से गजल के चंद इशार पेश करूं। जी इरशाद कीजिए, अता करें। जी अर्ज किया है कि जब आप आए सरे सहने मन ऐ जाने मन, मुस्कराए देखकर सर्वो समन ऐ जाने मन, वाह वाह रोशनी खुशबू और रंगों का, रोशनी खुशबू का और रंगों का है हर सू समा, कौन होगा आप सा गुल पैरहन ऐ जाने मन, वाह वाह अच्छा। और शेर है कि सिलसिला दर सिलसिला है आपका हुस्नो जमाल, सिलसिला है आपका हुस्नो जमाल है आपके तन है जान, देखने की चीज है ये चश्मे आपकी, देखने की चश्मे हूँ आपकी है तरफ में मेरे कोहे मन ऐ जाने मन, हुस्न चेहरों का तेरे दम से ही कायम है यहाँ, हुस्न चेहरों का तेरे दम से ही कायम है यहाँ, जहें आपकी जाहिर कौन है जैसा आईना बदन जाने मन, हुस्न चेहरों का तेरे दम से ही कायम है यहाँ, कौन है जैसा आईना बदन ऐ जाने मन, और मकसद है ये आपको न देखे वो खलो ख्वाब में, आप ही को क्यों न देखे वो खलो ख्वाब में, आप है रेहान के दिल की लगन है जान, जब भी आप आए सहने चमन है जान, मुस्कुरा देकर सर्व समन है जान, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी मोहतरम, यहाँ असर अकर अकबर वादी नजर आ रहे थे। जी 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 मैं हाजिर हूँ जनाब अरशाद, हुक्म कीजिए आ जाए मैदान में, सुनाए जनाब कोई अच्छा सा कलाम हमें। चले ये नई गजल है एक छोटी बहर की, जी तो मैं तरन्नुम से सुना रहा हूँ आपको, और अब्दुल हमीद साहब भी बैठे हैं यहाँ मौजूद हैं, बशारत भी बैठे हैं, और हमारे हाँ जी मेरे नोटिस में सारी लिस्ट बना रखी मैंने बड़े जी, जी जी तो मसला अर्ज किया है जी। ये सर भाई जो चराहों से दगा करती है, जो चराहों से दगा करती है, वक्त की तेज हवा करती है, वक्त की तेज हवा करती है, शेरज किया है शायद पसंद आए, वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं, वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं, उनकी दीवार सुना करती है, वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं, वक्त की तेज सॉरी उनकी दीवार सुना करती है, शुक्रिया। ये तो हम पर ही करम है वरना, ये तो हम पर ही
करम है वरना जिंदगी किस पे खुला करती है। जिंदगी किस पे खुला खुला करती है। और ये शेर देखिए, उनकी हर बात गवारा क्यों हो, उनकी हर बात गवारा क्यों हो, ये खालिश दिल में रहा करती है। ये खालिश दिल में रहा करती है। और ये शेर देखिए, वो जमी कैसी जमी है लोगों, वो जमी कैसी जमी है लोगों, आसमां से जो गिला करती है, वो जमी कैसी जमी है लोगों, जमी कैसी जमी है लोगों, आसमां कहने वाला जो गिला करती है, आसमां से जो गिला करती है। और ये शेर देखिए, दोस्त तो सिर्फ मोहब्बत सदा, दोस्त तो सिर्फ मोहब्बत ही सदा, हक मोहब्बत का अदा करते हैं। बहुत खूब, बहुत हक मोहब्बत का अदा करती है। और आखिरी शेर है, बहुत अच्छे, कौन से जुर्म में जाने दुनिया, वाह, कौन से जुर्म में जाने दुनिया, हम फकीरों पे जफा करती है। शुक्रिया। हम फकीरों पे जफा करती है। और मक्ता शायद पसंद आए, और ये दिक्कत है, बहुत खूबसूरत है, यकीनन पसंद है, बहुत उम्दा। थैंक यू, शुक्रिया। अब मक्ता अर्ज किया है, इरशाद, मौत हकीकत है जो आनी है असर, मौत हकीकत है जो आनी है असर, जिंदगी मुझसे कहा करती है, मौत हकीकत है जो आनी है असर, जिंदगी मुझसे कहा करती है। जो चरागों से दगा करती है, वक्त की तेज हवा करती है। बहुत उम्दा। मोहतरम अब्दुल हमीद हमीदी साहब कनाडा से, हमारे रेगुलर हमीदी साहब, अब्दुल हमीद हमीदी साहब कनाडा से जी, साहब की खिदमत में गुजारिश है कि अपना कलाम जी बिस्मिल्लाह माशाल्लाह अता कीजिए, अता कीजिए। मिल के बिछड़े हैं अभी
आएगी क्या बात, मिल के बिछड़े हैं अभी नींद कहाँ आएगी क्या बात है हमीदी साहब, संग ताजा है अभी नींद कहाँ आएगी ताजा है अभी नींद कहाँ, क्या बात है नींद कहाँ है, मिलके पिछड़े है अभी नींद कहाँ आएगी, जख्म ताजा है अभी नींद कहाँ आएगी, क्या बात है दिल है मानूस बहुत रात की स्याही से, दिल है मानूस बहुत रात की स्याही से, चांद निकला है अभी अच्छा कितने परवानों का खून शम्मा की गर्दन पर है, कितने परवानों का खून शम्मा की गर्दन पर है, वाह वाह वाह, रात बाकी है अभी नींद कहाँ आएगी, रात बाकी है अभी नींद, रात बाकी है अभी नींद आएगी, माशाल्लाह क्या सो रहा है, मिलके पिछड़े है अभी नींद कहाँ है, आपकी याद आ गई रफी साहब की, बहुत शुक्रिया, टूटे ख्वाबों के किनारों से हुआ दिल छलनी, टूटे ख्वाबों के किनारों से हुआ दिल छलनी, रूह जख्मी है, रूह जख्मी, वाह वाह बहुत खूब, बहुत खूब, आखिरी शेर है निशाद, दिल धड़कता है तो धड़का सा लगा रहता है, बहुत खूब, दिल धड़कता है तो धड़का सा लगा रहता है, क्या बात, जारी है अभी नींद कहाँ आएगी, जारी है अभी नींद कहाँ आएगी, बहुत खूब बहुत खूब, मिल के पिछड़े है अभी नींद कहाँ आएगी, वाह बहुत अच्छी रदीफ लगाई आपने, बहुत बढ़िया रदीफ, दर्द भरी आवाज, दर्द भरी आवाज, चेहरे की सुर्खी आपकी गजब की खूबसूरती और आपके चेहरे की सुर्खी कनाडा के रंग को बढ़ा रही है, उसके पर बहुत अच्छे जनाब, हमारे अगले शायर हैं जनाब डॉक्टर इसाक साजद साहब, जिनका तलक जर्मनी से है, जर्मनी में मुद्दत दराज से मुकीम है, बहुत खूबसूरत लहजे के तरनम गीतनगार और गजल गो शायर और मुबसर, किसी तारफ के मुताज नहीं, चार किताबों के मुसन्निफ, रसाला समुंदर इंटरनेशनल के एडिटर हैं, उनका नाम ही उनकी पहचान है, जनाब डॉक्टर इसाक साजद साहब की खिदमत में अपने कलाम से नवाजे, सदर साहब की इजाजत से गीत पेश करता हूँ जी, अता कीजिए डॉक्टर साहब मोहतरम।
हेलो सदर साहब, हेलो सदर साहब, अभी साहिबा आ गई, जान ऐसा साहिबा, वो मैं जावेद की आईडी से हूँ। ये असर अकबर आवाज है ना, नेटवर्क चला गया था मेरे नंबर पे, नेटवर्क चला गया था, जावेद की आईडी से हूँ, देखो मैं एक मिनट। हेलो, आप डॉक्टर असाक साहब तशरीफ लाए, अगर वो आपको इजाजत दें तो आप आ जाइए, नहीं तो उनको वो उनका ऐलान हो सकता है इनका फिर वो खराब ना हो जाए। अच्छा चलिए पढ़ ले चांद साहब जी। वैसे भी मैसूर का हमारे दिलों में बहुत एहतराम है जी, जी हम वैसे डरते भी हैं, सुल्तान टीपू की सरजमीन है। खाता मुलाहिजा फरमाइए साहब की इजाजत चाहती। शीशा मिजाज लोग भी पत्थर निकल गए, शीशा मिजाज लोग भी पत्थर निकल गए, जो फूल थे गुलाब के वो खंजर निकल गए, दो चार दिन गरीबी के आसार क्या हुए, दो चार दिन गरीबी के आसार क्या हुए, अहबाब मेरे साए से बचकर निकल गए। बहर में एक गजल कहने की कोशिश की थी, गजल का मतलब कुछ यूं है, अता कीजिए। तू नहीं है तो घर आंगन में अंधेरा देखूं, तू नहीं है तो घर आंगन में अंधेरा देखूं, ए बता दे मुझे कब तक तेरा रास्ता देखूं, मुझको एहसास दिलाता है अकेलेपन का, मुझको एहसास दिलाता है अकेलेपन का, शाख पर जब भी परिंदा कोई तन्हा देखूं, ईद आई है मगर कैसे सवारों खुद को, ईद आई है मगर कैसे सवारों खुद को, लौट कर तू जो घर आए तो मैं शीशा देखूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुझको पाने की तमन्ना में चली जाती हूँ, तुझको पाने की तमन्ना में चली जाती हूँ, गो के राहों में तेरी आग का दरिया देखूं, गो के राहों में तेरी आग का दरिया देखूं। जी गजल का वो शेर है जिसके लिए पूरी गजल कही गई है, माशाल्लाह। अपनी बाहों की पनाहों में सिमट जाने दो, अपनी बाहों की पनाहों में सिमट जाने दो, कब तलक अपने बिखरने का तमाशा देखूं। अपनी बाहों की पनाहों में सिमट जाने दो, अपनी बाहों की पनाहों में सिमट जाने दो, कब तलक अपने बिखरने का तमाशा देखूं। बहुत खूब, बहुत खूब, मेरे अल्लाह यही तुझसे दुआ है मेरी, मेरे अल्लाह यही तुझसे दुआ है मेरी, कुछ न देखूं एक बार मदीना देखूं, एक बार मदीना देखूं। उम्मीद भर लाए जी आपकी, आमीन। गजल का मख्ता मुलाहिजा फरमाइएगा कि चांद आंखों ने मेरी ख्वाब बुने हैं जिसके, चांद आंखों ने मेरी ख्वाब बुने हैं जिसके, ख्वाब बुने हैं जिसके, अब तमन्ना है कि हकीकत में वो चेहरा देखूं। चांद आंखों ने मेरी ख्वाब बुने हैं जिसके, अब तमन्ना है कि हकीकत में वो चेहरा देखूं, नहीं है तो घर आंगन में अंधेरा देखूं, ये बता दे मुझे कब तक तेरा रास्ता देखूं। वो शेर सुना दीजिए जो सिमटने वाला, जो आपने जिसके लिए वो शेर सुना, बाहों और पनाहों वाला। मुलाहिजा फरमाइएगा कि अपनी बाहों की पनाहों में सिमट जाने दो, अपनी बाहों की पनाहों में सिमट जाने दो,
कब तलक अपने बिखरने का तमाशा देखो, अपनी बाहों की पनाहों में सिमट जाने दो, कब तलक अपने बिखरने का तमाशा देखो। बहुत खूब हासिल गजल शेर शहीन साहब हैं। चाइना किश्वर, चाइना किश्वर। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा से बोल रही हूँ, डॉक्टर शाहिना किश्वर। जी 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 डॉक्टर। एक गजल के चंद अशआर पेश खिदमत है, साहिब सदर की इजाजत से पेश करती हूँ। जी बिस्मिल्लाह, अता कीजिए। आतिश मिजाज लोग हैं कैसे मिले उसे, आतिश मिजाज लोग हैं कैसे मिले उसे, जी जी। मिल जाए भी तो दिल में कहाँ पर रखें उसे, मिल जाए भी तो दिल में कहाँ पर रखें उसे। वो आदमी से देवता हो जाएगा जनाब, वो आदमी से देवता हो जाएगा जनाब, हम ऐसे खुश सुखन भी जो अच्छे लगे उसे। बहुत शुक्रिया। वो आदमी से देवता हो जाएगा जनाब, हम ऐसे खुश सुखन भी जो अच्छे लगे उसे। किश्वर हमें अजीज है वो शख्स इस कदर, किश्वर हमें अजीज है वो शख्स इस कदर, हम हर किसी के सामने झुक कर मिले उसे। ईश्वर हमें अजीज है वो शख्स इस कदर, हम हर किसी के सामने झुक कर मिले उसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आतिश मिजाज लोग हैं कैसे मिले उसे, बहुत मिल जाए भी तो दिल में कहाँ पर रखें उसे। मैं दावते कलाम दूंगा जनाब डॉक्टर इसहाक साजद साहब फ्रॉम जर्मनी। जनाब सदर की इजाजत से गीत पेश करता हूँ। जी अता कीजिए। आपकी रौनकें हैं ये सब, ये आपकी रौनकें हैं। शुक्रिया। सब यहाँ मौजूद है जी। परदेसी तुम परदेसी, हम परदेसी तुम परदेसी, इस दुनिया में रहने वाला कोई नहीं है कोई नहीं। हम परदेसी तुम परदेसी। शुक्रिया। दुख भी अपना सुख भी अपना, दुख भी अपना सुख भी अपना, सब अपने हैं सब अपने हैं, यार पराया कोई नहीं है कोई नहीं। परदेसी परदेसी, आबादी सी वीरानी है, वीराने सी एक महफिल, आबादी सी वीरानी है, वीराने सी एक महफिल, नाम है क्या उस, नाम है क्या उस नई गली का, पूछ रहा है बेकल दिल, सोच रहा है तू क्या मूर्ख, किसके साथ नहीं परछाई, खाली घर में अपने तन्हा कोई नहीं है कोई नहीं। परदेसी तुम परदेसी, क्या शोर है आवाज में बहुत। जाने कैसा रेला आया, संगी साथी छूट गए, जाने कैसा रेला आया, संगी साथी छूट गए, सपनों के चक्कर में अपने सारे खिलौने टूट गए, जाने कैसा रेला आया, संगी साथी छूट गए, सपनों के चक्कर में अपने सारे खिलौने टूट गए।
प्यारो ना है क्या घबराना, प्यारो ना है क्या घबराना, लौट के जिसको घर नहीं जाना। इस मेले में, इस मेले में यारो ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं। परदेसी परदेसी इस दुनिया में रहने वाला रहने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, दिल में उतरती हुई आवाज दिल में उतरती हुई। बहुत शुक्रिया जनाब, क्या बात है तरन्नम की जनाब, आपके लिए ढेरों दुआएं, बहुत खलूस से आपने पढ़ा है। अगले अगले शायर है हमारे डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, रसाला करतास यूके के एडिटर, इंग्लिस्तान के मरूफ शायर, उर्दू और पंजाबी शायरी की 12 कुतुब छप चुकी है इनकी, हम सब के जाने पहचाने, लंदर से दूर टेलफोर्ड में मुकीम डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, जनाब की खिदमत में गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजें। शुक्रिया राणा साहब, हमारे सदर की इजाजत से कुछ अर्ज करता हूँ। जी अता कीजिए। बिस्मिल्लाह। वतन में सबसे ज्यादा बिला नागा सुना जाने वाला एक जुमला है जो अनवर मसूद साहब की तहकीक है, उन्होंने ये तलाश किया था और उन्होंने इस पर चार मिसरे भी लिखे थे, तो उन्हीं चार मिसरों की वजाहत मैंने मंजूम की है। चंद अशआर आपकी इजाजत से अर्ज करता हूँ। जी जी, हमारी हमारी महफिल में हमारी हमशीर यास्मीन बुखारी साहबा मौजूद हैं, उनकी नजर करता हूँ मैं खास तौर पर। शुक्रिया, बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। पहले एक सुखनवर ने ये मौजू खूब उठाया है, एक खबर अखबार में देखी मुझको भी याद आया है, ये जुमला जो सदा से गूंजे देश के सब बाजारों में, जारी है मफहूम इसी का सब अफलास के मारों में, यही है कायम हर शोबे में यही काम चलाता है, यही है कायम हर शोबे में यही काम चलाता है। बेचारों के मुंह का लुकमा दूजे मुंह ले जाता है, ले जाता। बहुत से लोग अना वाले हैं, खुददारी भी सीखी है, उनके आगे भी तो हमने यही हकीकत देखी है, ऊपर की है खूब कमाई बंदा जो सरकारी है, ऊपर की है खूब कमाई बंदा जो सरकारी है, लगता है कि हर अफसर के अंदर एक भिखारी है। फजले रब्बी से ना उनके बाग कभी भी सूखे हैं, फजले रब्बी से ना उनके बाग कभी भी सूखे हैं, फिर भी पैसों को वो तरसे बच्चे जैसे भूखे हैं। यही इलेक्शन में जुमला अल्फाज बदलता रहता है, यही इलेक्शन में ये जुमला अल्फाज बदलता रहता है, सारे कैंडिडेटों का ये मतलब पूरा करता है, यही यही हुकूमत वाले जुमला अपने तौर से कहते हैं, यही हुकूमत वाले जुमला अपने तौर से कहते हैं, इसके ही मफहूम से हमको कर्जे मिलते रहते हैं। गो ये जुमला, गो ये जुमला आम है लेकिन ये तौहीन हमारी है, गो ये जुमला आम है लेकिन ये तौहीन हमारी है, जिसका नहीं इलाज वतन में ऐसी ये बीमारी है। ये जुमला अब सुनो मुनव्वर, कानों को शर्मा देगा, शर्मा देगा। ये जुमला अब सुनो मुनव्वर,
कानों को शर्मा देगा, दे जा सखिया राय खुदा तेरा अल्लाह ही बूटा लावेगा। हमारी अगली मेहमान जिया कुरैशी साहब हैं, इस्लामाबाद से आज हमारे साथ हैं, शायरी की दो किताबों की मुसनफा हैं, हमारी महफिल सुखन में पहली बार शामिल हुई हैं। हम आपको वेलकम करते हैं, अपना कलाम खूबसूरत कलाम सुनाएंगी जनाब। सबसे पहले तो मैं बहुत ममनून हूँ आपकी, आपने मुझे इस आलमी मुशायरे में मदु किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगस्त का महीना चल रहा है और आपको पता है कि ये अगस्त का महीना आजादी का इशारा है। 14 अगस्त पे कहा गया एक कलाम में शायरी सदर की इजाजत से। जी इरशाद कीजिए। बिस्मिल्लाह। सुखन आज हुआ चांद सितारा, मौजूए सुखन आज हुआ चांद सितारा, रहमत है खुदा की के मिला चांद सितारा। क्या बात। मौजूए सुखन आज हुआ चांद सितारा, रहमत है खुदा की के मिला चांद सितारा। चांद सितारा। परचम से हुए सब बहारों के, परचम से हुए सब बहारों के मनाजिर, हर एक गली में है सजा चांद सितारा। सरसब्ज चरागाह में हो फाख्ता जैसे, शादाब से परचम पे सजा चांद सितारा। में हो फाख्ता जैसे, शादाब से परचम पे सजा चांद सितारा। पूछा जो मेरी खाक ने आजाद, पूछा जो मेरी खाक ने आजाद का मतलब, कुछ और नहीं मैंने कहा चांद चांद सितारा। दोबारा पढ़िए इसे। पूछा जो मेरी खाक ने आजाद का मतलब, पूछा जो मेरी खाक ने आजाद का मतलब, कुछ और नहीं मैंने कहा चांद सितारा। चांद सितारा। वैसे तो फुरेरे की खबर और कुछ है, वैसे तो फुरेरे की खबर और ही कुछ है, रखता है अलग अपनी अदा चांद सितारा। फुरेरे की खबर और ही कुछ है, रखता है अलग अपनी अदा चांद सितारा। हर सुबह मेरी सब्ज रही पाक वतन से, हर सुबह मेरी सब्ज रही पाक वतन से, हर शाम मेरे साथ रहा चांद सितारा। आजाद फिजाएं हैं तो मौला का करम है, आजाद फिजाएं हैं तो मौला का करम है, मालिक ने किया हमको अता चांद सितारा। अरकान है इस्लाम के झंडे पे फरोजा, अरकान है इस्लाम के झंडे पे फरोजा, जन्नत का ये नक्शा है जिया चांद चांद सितारा। बहुत खूब, बहुत खूब। अरकान है इस्लाम के झंडे पे फरोजा, जन्नत का ये नक्शा है जिया चांद सितारा। बहुत अच्छा चांद सितारा, बहुत अच्छा। अब सारा महबूब साहिबा हैं, सारा महबूब साहिबा नजर तो आई। इनका कराची से इनका तलक है, ग्राफिक डिजाइनर भी हैं। गो उनका नाम दुनिया अदब में ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन हल्का अरबाब ज़ौक में शिरकत करती रहती हैं। नज़म और गजल के साथ साथ मुख्तसर अफसाने भी लिखती हैं। सारा महबूब साहबा, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं और आपसे दरख्वास्त है कि अपना कलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सदर की इजाजत से गजल पेश करती हूँ। जी अता कीजिए। बिस्मिल्लाह। आईने का सवाल कैसे खुले, अच्छा आईने का सवाल कैसे खुले, मुझ पर अपना जमाल कैसे खुले। लोग तो और भी बहुत से हैं, लोग तो
और भी बहुत से हैं, कोई उसकी मिसाल कैसे खुले। अच्छा, खुद कलामी शुआर है मेरा, खुद कलामी शुआर है मेरा, सब पे अब मेरा हाल कैसे खुले। अच्छा, सब पे अब मेरा हाल कैसे खुले, मेरा खत्म हो रहा है तो मेरा ले लो। बेखबर ही रही मोहब्बत से, बेखबर ही रही मोहब्बत से, अब ये मेरा मलाल कैसे खुले। अच्छा, जिसने सुबह उरूज ही देखी, जिसने सुबह उरूज ही देखी, उस पे शामे जवाल कैसे खुले। अच्छा, जिसने देखा नहीं तवज्जो से, जिसने देखा नहीं तवज्जो से, उस पे हुस्नो जमाल कैसे खुले। खुले, बहुत अच्छे, बहुत खूब। तू के नावाकिफ़े मोहब्बत है, तू के नावाकिफ़े मोहब्बत है, तुझ पे हिजरो विसाल कैसे खुले। खुद सताई में जो रहे अपनी, खुद सताई में जो रहे अपनी, उन पे मेरा कमाल कैसे खुले। इतनी हैरानियों में सिमटी हूँ, इतनी हैरानियों में सिमटी हूँ, खुद पे अपना जमाल कैसे खुले। अच्छा, आखिरी शेर अर्ज है, गैर हूँ तो समझ भी लूँ सारा, गैर हूँ तो समझ भी लूँ सारा, कुछ पे अपनों की चाल कैसे। मोहतरमा यासमीन बुखारी साहिबा तो है ना? जी जी, मैं हूँ। आप वतन के एक बड़े खानवादे की चश्मा चिरागा हैं, चिराग हैं। उनके वालदे मोहतरम हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुआल्जे खास थे, इसलिए बचपन में यासमीन बुखारी साहिबा कायद आजम के घर भी गईं, कई बार गईं और मादर मिलत से भी मिली। ये नामवर मुसव्वर हैं जिनके शाहकार की दुनिया भर में नुमाइश होती रहती है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज वो हमारी महफिल सुखन में तशरीफ लाई हैं, हमें अपने कलाम से महजूज फरमाएंगी। मोहतरमा यासमीन बुखारी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तारुफ का शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंदील ये शेर और सुखन जो है, शेर और सुखन, इंदील शेर और सुखन लंदन, ये आपका अदारा बहुत मशहूर, बहुत नामवर, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ इसमें आपने मधु किया, बहुत अच्छा लगा। साहिब सदर की इजाजत से मैं अपनी गजल पेश करती हूँ। जी साहिब सदर अता कीजिए, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। लहू की आंच में वहमो गुमा जलाती हूँ, अच्छा। लहू की आंच में वहमो गुमा जलाती हूँ, तेरे यकीन की लो ऐसे आजमाती हूँ, तेरे यकीन की लो। लहू की आंच में वहमो गुमा जलाती हूँ, तेरे यकीन की लो ऐसे आजमाती हूँ, बहुत खूबसूरत। तेरी जुदाई का ताना न दे सके दुनिया, तेरी जुदाई का ताना न दे दे सके दुनिया, मैं खिल के मुस्कुराती हूँ। तेरी जुदाई का ताना न दे सके दुनिया, मैं जब भी रोने लगूं खुल के मुस्कुराती हूँ। बहुत अच्छे। समेटती हूँ मैं फिर रोज किरची किरची बदन, बहुत अच्छा। समेटती हूँ मैं फिर रोज किरची किरची बदन, मैं आईने की तरह रोज टूट जाती हूँ। समेटती हूँ मैं फिर रोज किरची किरची बदन, मैं आईने की तरह रोज टूट जाती हूँ। कभी कभी मेरे बुझने पे तोहमते न लगा, कभी कभी मेरे बुझने पे तोहमते न लगा, फसील हिजर की तलखी पे जगमगाती मिला के तेल में अपने जिगर का ताजा लहू,
मिला के तेल में अपने जिगर का ताजा लहू, ताजा लहू। वा, वा, वा। मैं जलते बुझते चराहों में फैल जाती कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शेर दोबारा अदा कीजिए, मिला खूबसूरत तेल में, मिला के तेल में अपने जिगर का ताजा लहू, मैं जलते बुझते चिरागों में पहले दोष पे मैं आसमां घुमाती नमी के दोष पे मैं आसमां घुमाती हूँ। क्या मेरा वजूद है, शुक्रिया जी, मेरा वजूद है इस कायनात में पुरकार, जमीन के दोष पे मैं आत्मा घुमाती हूँ। सुनिए, अगरचे जख्म की सूरत हूँ यास्मीन मगर, अगरचे जख्म की सूरत हूँ यास्मीन मगर, मैं खुद भी हंसती हूँ लोगों को भी हंसाती हूँ, खुद भी हंसती हूँ लोगों को भी हंसाती हूँ। लहू की आंच में वहमो गुमा जलाती हूँ, तेरे यकीन की लो ऐसे आजमाती हूँ, तेरी जुदाई का ताना न दे सके दुनिया, मैं जब भी रोने लगूं खुल के मुस्कुराती हूँ। आईना 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 का शेर दोबारा सुना दी, आईने की तरह टूट जाती। जी जी जरूर जरूर, समेटती हूँ मैं फिर रोज किरची किरची बदन, समेटती हूँ मैं फिर रोज किरची किरची बदन, मैं आईनी की तरह रोज टूट जाती। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। ये यास्मीन साहिबा से कहें कि दोबारा कोई एक गजल और सुना दे। जी जी, यास्मीन साहिबा एक गजल और अनायत कर दें आप। जी जी अरशाद, अच्छा जी 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 जरूर जरूर, क्यों नहीं, आपकी इजाजत से सर। जी 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 अरशाद, बहुत शुक्रिया आपकी। देखा जी, हमने तो आपको सुनने के लिए मजलिस जमाई है ना, माशाल्लाह, थैंक यू जी। तो अर्ज करती हूँ जी अरशाद, जितनी भी देर तुमसे मेरी दोस्ती रही, जितनी भी देर तुमसे मेरी दोस्ती रही, मेरी ही जात, मेरी ही जात मुझको कहीं ढूंढती रही, ढूंढती रही। जितनी भी देर तुमसे मेरी दोस्ती रही, मेरी ही जात मुझको कहीं ढूंढती रही, चुपचाप आसमान उसे देखता रहा, चुपचाप आसमान उसे देखता रहा, अपने ही जख्म खुद ही जमीन चाटती रही। चुपचाप आसमान से देखता रहा, अपने ही जख्म खुद ही जमीन चाटती रही। एक ख्वाब की तलाश में मैं सो गई मगर, ख्वाब की तलाश में मैं सो गई मगर, एक चीज मुझ में देर तलक जागती रही। ख्वाब की तलाश में मैं सो गई मगर, एक चीज मुझ में देर तलक जागती रही। आया तेरा ख्याल अमावस की रात में, आया तेरा ख्याल अमावस की रात में, आया तेरा ख्याल अमावस की रात में, आंगन में मेरे ताबा सहर चांदनी रही। ये दोबारा शेर अता कीजिए, बहुत लाजमा है, बहुत खूब। आया तेरा ख्याल अमावस की रात में, आंगन में मेरे, आंगन में मेरे ताबा सहर चांदनी रही। आंगन में मेरे ताबा सहर चांदनी जी। और शेर सुनिए, दरिया मेरी तलाश में आकर पलट गया, दरिया मेरी तलाश में आकर पलट गया, सहरा की रेत मुझको सदा ढूंढती रही, ढूंढती रही। दरिया मेरी तलाश में आकर पलट गया, सहरा की रेत मुझको सदा ढूंढती रही। कुछ देर, कुछ
कुछ देर रुक के चल दिया यादों का, कुछ देर रुक के चल दिया यादों का काफिला, और यास्मीन रक्त सफर बांधती रही, कुछ देर रुक के चल दिया यादों का काफिला, और यास्मीन रक्त सफर बांधती रही, इतनी ही देर तुमसे मेरी दोस्ती रही, मेरी ही साथ मुझको वही दूर, क्या खूब है क्या खूब है, खूबसूरत कलाम माशाल्लाह, हर एक शेर अच्छा था, हर एक शेर जी मोहतरमा दिलशाद नसीम साहिबा से गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजे अरशाद जी। अभी तो पढ़नी है आयात कुछ मोहब्बत की, अच्छा है। अभी तो पढ़नी है आयात कुछ मोहब्बत मोहब्बत तुम्हारे गिर्द वफा का इसार करना है, मैं एक दो मुलाकातों में दिल नहीं दूंगी, ये खुद तड़पना उसे बेकरार करना है, जिनसे मिलने खिजर नहीं आते, बेशक जिनसे मिलने खिजर नहीं आते, बस वही लोग घर बहुत रास्तों में शजर नहीं आते, शजर नहीं आते, क्या हकीकत बयान की, क्या हक भाई, कोर चश्मे की इंतहा देखो, कोर चश्मे की इंतहा देखो, ख्वाब भी अब नजर नहीं आते, अच्छा है, अच्छा कि गमे दौरा तू इस्तखारा कर, गमे दौरा तू इस्तखारा कर, बेवजह तो सफर नहीं आता, और मेरी थी बात बस तेरी और मेरी थी, दरमियान लोग घर नहीं आते, बात बस तेरी और मेरी थी दरमियान लोग घर नहीं आते, और कोई मजबूरियां भी दिखा कर, कोई मजबूरियां भी देखा कर, मजबूरियां भी देखा कर, वाह वाह, यूं ही इल्जाम धर नहीं आते, यूं ही इल्जाम धर नहीं आते, मजबूरियां भी देखा कर, बहुत उम्दा, यूं ही इल्जाम धर नहीं आते, धर नहीं आते, और मक्तार्ज है इरशाद, गरना जरखेज खाक हो दिलशाद, वाह, गरना जरखेज खाक हो दिलशाद, अच्छे मीठे समर नहीं आते, नहीं आते, वाह वाह, गर नजर खेज खाक हो दिलशाद, बहुत खूब, अच्छे मीठे समर नहीं आते, बहुत अच्छे समर नहीं आते, और चश्मे की इंतहा देखो, ख्वाब भी अब नजर नहीं आते, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हम सदर साहब को सुनेंगे, हमने देखे इन्हीं के लिए ये मजलिस जमाई है, तो हम खूब सुनेंगे सदर मजलिस को, आप इनकी बारी है, राणा साहब कुछ और सुना दिए, फिर बाद में सदर साहब सुना देंगे आखिर में, कोई बात नहीं, नहीं नहीं मैं तो साथ लाया नहीं, मैं तो एक लाया था, नजम पढ़ दी है तो, नहीं है मेरे पास कुछ ऐसे, आप मैं पढ़ देता हूँ, जी 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 इरशाद, मुझे नहीं पता था कि आप सुनेंगे कुछ, आप तो सुनाते ही, मतलब लोगों से गुजारिश करते हैं, मैं ज्यादा सुनने का आदी हूं ना जी, जी अच्छा जी, एक छोटी सी है मैं सुना देता हूँ जी, हाँ जी, इरशाद फरमाइए राणा साहब, मोहब्बत अब रुए खमदार भी है, मोहब्बत अब रुए खमदार भी है, ये नाजुक है मगर तलवार भी है, ओए होए होए होए, नाजुक करता जी, नाजुक है तलवार करता जी, तलवार भी, क्या कह रही है, मैं कातिल जी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, तलवार साहब तो कातिल है, कातिल इसी से जुल्मतों में रोशनी है, किसी से जुल्मतों में रोशनी, इसी से खिलबतों में यार भी है, खिलबतों में यार भी, नहीं आसान इतना रास्ता ये के मंजिल इसकी सुएदार भी है, वाह क्या बात, बहुत अच्छा, ये खो जाए तो है गर्दाब दुनिया, मिल जाए तो बेड़ा पार भी है, मिल जाए तो बेड़ा पार भी, इतनी अंधी होती है लगन में, कच्चे घड़े पर करती है एतबार भी है, वाह वाह, कच्चे घड़ा पर करती है एतबार,
छुड़वाती है तख्त व ताज शाह, इज्जत बेग को बनाती कमार भी है। वाह वाह, बनाती कमार भी। कभी दिखाती है सपने सुहाने, कभी करती रुसवाई सरे बाजार भी है। बाजार भी है। कभी बनाती है दीद और रांझा, कभी खुदवाती नहर शीरदार भी है। वाह जी वाह। रुलाती है अपने पीछे दर बदर, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। वो सुन ले। रुलाती है अपने पीछे दर बदर, करवाती सगे लैला से प्यार भी है। होती है सहरा नवर्द, ऐसा बोलो लाश यार में होती है सहरा नवर्द, जान देती सरे रेगदार भी है। पता लग जाएगा ऐसा बोलो लग गया ये पता के। मोहब्बत है बहुत बदनाम लेकिन, अच्छा जी मोहब्बत है बहुत बदनाम लेकिन, लेकिन भूलो सुन्नत अबरार भी है। मक्ता रज है घर मिल जाए मोहब्बत परवरदिगार, बनाती ये दो आलम का सरदार भी है। किरदार भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब मैं मोहतरम साहब सदर की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि अपने कलाम से नवाजें, हमने ये मजलिस इन्हीं के लिए सजाई है। माशाल्लाह ये अदब की बहुत खिदमत कर रहे हैं और बड़े शायर उर्दू पंजाबी अंग्रेजी के मुसलसल शायर हैं, 17 किताबें इनकी आ चुकी हैं, देरे तबा हैं, उनके काम पर एमफिल भी हो चुके हैं कई, और पीएचडी के मकाले रिसर्च हो रहे हैं, लातादाद एजाजात मिल चुके हैं, आर्मी शोहरत याफ्ता गुलकारों ने उनका कलाम भी गाया है, नात खां हजरात ने नातें भी पढ़ी हैं, कई तंजीमों में आला अहदों के हामिल हैं, कई 100 टीवी प्रोग्रामों की मेजबानी कर चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम इनकी खिदमत में गुजारिश करते हैं कि आए जनाब अपने कलाम से नवाजें, हमारे लिए बड़ी इज्जत है ऑनर है कि ये हमारी मजलिस में तशरीफ लाए। बहुत खूब बहुत अच्छा। वेलकम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब जैसे जैसे आप मेरा तारफ करवा रहे थे तो मुझे अपनी कमाईगी का एहसास हो रहा था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं ऐसी। और यकीन कीजिए कि मुझे आज एक पहला तजुर्बा हुआ है जूम पर मुशायरे का, और बिल्कुल ऐसे लगा है कि घरेलू माहौल है और बहुत ही एक इजी कैजुअल माहौल जिसमें बहुत ही पुरलुत्फ जो है मुशायरा रहा है। तमाम जो शायक जो शुरका हैं उन्होंने बेहतरीन कलाम पेश किया और ये तजर्बा बहुत ही खुशगवार रहा, और मैं समझता हूँ कि ये कोरोना के लिए भी तंबीह है, ऐसे मुशायरे कोरोना के लिए भी तंबीह की हैसियत रखते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की जबिलत में जद्दोजहद रखी है, एक हुर्रियत रखी है, आगे बढ़ने का जज्बा रखा है, और यही वो जज्बा है कि इन दिनों में फिर इंसान ने जूम जैसे सॉफ्टवेयर ईजाद करके लोगों की महाफिल को जारी और सारी रखा है। ये एक यानी मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे हालात हो इंसान आगे बढ़ने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी और सारी रखता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर इजाज साजिद साहब का कि उन्होंने जिस मोहब्बत से मुझे इस मुशायरे में दावत दी और जिस तरह से उन्होंने मुसलसल मेरे साथ राबता रखा, और उनके इस रबते ने मुझसे बहुत जिम्मेदारी का जो है मेरे अंदर एहसास जो है वो पैदा किया, और मैं उनका दिली तौर पर शुक्रिया अदा करना अपना फर्ज समझता हूँ कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफिल में आप सब से गुफ्तगू का भी मौका फराहम किया, और मैं कुछ अपना जाहिर अशार भी पेश करूँगा, लेकिन जो बुनियादी तौर पर किंदील शेर व सुखन लंदन उनकी ये 33rd ये उनका जूम पर मुशायरा है जो कि बहुत बड़ी काविश है, और ये बहुत इसके लिए इंतजाम चाहिए, ये इतना आसान नहीं होता कि आज आप 33वीं महफिल जो है वो मुनक्कद कर चुके हैं, तो ये काबिल सच सताइश है। मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि कंदील शेर और सुखन अपने आने वाले वक्तों में अपना सफर जारी और सारी रखे, और अल्लाह करीम ने
बुलंदियां अता फरमाए और हम जितने भी शौरा हैं, जितने भी उदबा हैं, हम इनकी इस आबियारी के साथ इनकी खिदमत पर हमेशा मामूर रहने का वादा करते हैं। जो शेरो सुखन की जो रोशनी है, दरअसल वो मुआशरे की नोक पलक संवारने का नाप है। बेशक आप देखिए कि अदब जो है वो मुआशरे के रवैयों को दुरुस्त करता है। अदब मुआशरे में रवायात का पासबान होता है। शेरो सुखन जो है वो तहजीब की हिफाजत करते हैं और तहजीब की हिफाजत इस तरह से हिफाजत पर इस तरह मामूर होते हैं कि आने वाले वक्तों को तरतीब देते हैं और तरतीब में जो हुनरमंदी है वो जो हुनरमंदी है ये इससे साफ अयां है कि जिस मुआशरे में जितना ज्यादा अदब होता है जितना अदब होता है उस मुआशरे में उसी मिकदार से उतनी ही कम जरायम जो है वो मुआशरे में होते हैं और जो और उतनी ही कम वायलेशन होती है। इसलिए अदब से मुंसलिक उदबा और शौरा जिनका ओढ़ना बिछोना ना सिर्फ शायरी है बल्कि उनका ओढ़ना बिछोना मुआशरे की हिसासियत है, मुआशरे के दुख गम हुस्न मलाल उनका उड़ना बचाना होते हैं। तो इस हवाले से ये ऐसी तकारीब जो है उसके बहुत दूरस नतायज मुरतब होते हैं। कोई एक शेर होता है जो किसी इंसान की आने वाली जिंदगी का रुख मोड़ सकता है और शेर जो है वो उससे ज्यादा बेहतर थेरेपी शायद ही कहीं दुनिया में मौजूद हो। तो इसलिए हमें ये एजाज हासिल है, हमें ये फख्र है कि हम शेर व अदब के कबीला से ताल्लुक रखते हैं। मैं आज जितने भी शोरा यहाँ जिन्होंने और जितने भी उदबा ने यहाँ शिरकत फरमाई मैं उन सब का जो है उन सब के कलाम को सुनकर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और हम सब मिलकर जिन्होंने ये महफिल सजाई है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम सबको अशार सुनाने का अपने अपने जज्बात पेश करने का मौका फराहम किया। शुक्रिया। मैं दो अशार से अपनी गजल का पहले दो अशार के बाद एक गजल पेश करूंगा कि मोहब्बत रोशनी है रोशनी तकसीम करते हैं। ये वो बुनियादी पयाम है जो हमारी शायरी में ये पयाम हमसे आगे होना चाहिए और हम ये अलम लेकर आगे मुआशरे में चले कि मोहब्बत रोशनी है रोशनी तकसीम करते हैं। वाह वाह। जमाने भर में आओ जिंदगी तकसीम करते हैं। मोहब्बत रोशनी है रोशनी तकसीम करते हैं। जमाने भर में आओ जिंदगी तकसीम करते हैं। सुना है शायरी जाहिद दिलों को मोम करती है। तो हम पत्थर दिलों में शायरी तकसीम करते हैं तो हम पत्थर दिलों में शायरी तकसीम करते हैं और अर्ज किया है कि खुमारे वस से महका हुआ था कुमारे वस से महका हुआ था सितारा रात का जागा हुआ था। कुमारे वस से महका हुआ था सितारा रात का जागा हुआ था। क्या बात। यहाँ पर रास्ता लिखना मना है। यहाँ पर रास्ता लिखना मना है किसी दीवार पर लिखा हुआ था। क्या बात। क्या कहने। रास्ता लिखना मना है किसी दीवार पर लिखा। क्या ख्याल है। वाह। मैं ना कहता तो घुटकर मर ही जाता। ना कहता तो घुटकर मर ही जाता। क्या गले में एक सच अटका हुआ था। गले में एक सच अटका हुआ था। मैं जाले की तरह अपने ही दिल की
किसी दीवार से लटका हुआ था। क्या बात है, क्या करती है, मैं जाने की तरह अपने ही दिल की कमल कर दिया, किसी दीवार से लटका हुआ था। क्या तो क्या दरिया की लहरों पर भी मैं था। क्या बात, तो क्या दरिया की लहरों पर भी मैं था, तो क्या सहरा में मैं फैला हुआ था। क्या वाह 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 वाह। क्या दरिया की लहरों पर भी मैं था, तो क्या सहरा में मैं फैला हुआ था। वाह वाह। तो क्या मैं आप ही हूँ अपना खालिक, तो क्या मैं आप ही हूँ अपना खालिक, तो क्या वो कुन मेरा बोला हुआ था। तो क्या दरिया की लहरों पर भी मैं था, तो क्या सहरा में मैं फैला हुआ था, तो क्या मैं आप ही हूँ अपना खालिक, तो क्या वो कुन मेरा बोला हुआ था। मैं जाहिद था मगर शायद नहीं था। वाह वाह, क्या तखल्लुस इस्तेमाल किया, वाह वाह, क्या कहने। मैं जाहिद था मगर शायद नहीं था, मैं अपने आप में उलझा हुआ था, मगर शायद नहीं था। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं अपने आप में उलझा हुआ था, उलझा हुआ, खुमारे वस्त्र से महका हुआ था, सितारा रात का जागा हुआ था। एक और सुनाए ना, एक और भी सुनाए अच्छी सी। जी मैं अर्ज करता हूँ, आप सब हाजरी ने महफिल दारत का फायदा उठाइए, एक और बिल्कुल। जी मैं अर्ज करता हूँ, आप सबकी बहुत मोहब्बत, सलामत रहिए, आप हमेशा आवाज साथ रहिए, आपकी पेशानियां दमकती रहे और इसी तरह अदब की खिदमत करते रहे। फिर अब क्या है कि फकीर, फकीर शख्स का क्या है, अच्छा कहीं पे बैठ गया। फकीर शख्स का क्या है, कहीं पे बैठ गया। क्या बात है, फकीर शख्स का क्या है, कहीं पे बैठ गया, बैठ जाए, बैठ गया। फकीर शख्स का क्या है, कहीं पे बैठ गया। जमीन ने हुक्म दिया और जमीन पे बैठ गया। फकीर शख्स क्या है, कहीं पे बैठ गया। जमीन ने हुक्म दिया और जमीन पे बैठ गया, जमीन पे बैठ गया। तुम्हारे जिक्र ने ताकत ही छीन ली मुझसे, तुम्हारे जिक्र ने ताकत ही छीन ली मुझसे, तो दिल पे हाथ रखा, वहीं पे बैठ गए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो दिल पे हाथ रखा और वहीं पे बैठा। मैं जानता हूँ मेरा दिल अजीब जिद्दी है, मैं जानता हूँ मेरा दिल अजीब जिद्दी है, नहीं कहा है तो समझो नहीं पे बैठ गया। क्या कहने, बहुत अच्छा, क्या कहने, वेरी नाइस। मैं जानता हूँ मेरा दिल अजीब जिद्दी है, नहीं कहा है तो समझो नहीं पे बैठ गया। अभी तो मैंने गिला भी नहीं किया तुमसे, अभी तो मैंने गिला भी नहीं किया तुमसे, अरक ये कैसा तुम्हारी जबी पे बैठ गया। क्या बात है, अभी तो मैंने भी नहीं किया तुमसे, अरक ये कैसा तुम्हारी जबी पे बैठ गया। छुपा सका ना मेरा कत्ल दस्ते कातिल भी, छुपा सका ना मेरा कत्ल दस्ते कातिल भी, लहू निशान बना आस्ती पे बैठ गया। आस्ती पे बैठ गया, निशान बना आस्ती पे बैठ गया। बहुत अच्छी एविडेंस है, लहू निशान बना आस्ती पे बैठ गया। तुम्हारे अश्क भी शायद न धो सके उसको, तुम्हारे अश्क भी शायद न धो सके उसको,
कोई गुमान जो मेरे यकीन पे बैठ गया। तुम्हारे अश्क भी शायद न धो सके हो सके उसको। कोई गुमान जो मेरे यकीन पे बैठ गया। और मकता पेश खिदमत है आप सबकी सवालों की नजर, आप सबकी मोहब्बतों की नजर के मकान थक गया जाहिद खड़े खड़े और फिर मकान थक गया जाहिद खड़े खड़े और फिर वो चीखता हुआ अपने मकी पे बैठा। मकान थक गया जाहिद खड़े खड़े और फिर वो चीखता हुआ अपने मकी पे बैठ गया। फकीर शख्स का क्या है कहीं पे बैठ गया। फकीर शख्स का क्या है कहीं पे बैठ गया। जमीन ने हुक्म दिया और जमीन पे बैठ गया। वो यकीन वाला शेर सुबह मुकर्रर इरशाद हो यकीन वाला। तुम्हारे अश्क भी शायद न धो सके उसको। कोई गुमान जो मेरे यकीन पे बैठ। बहुत अच्छा। बड़ी मोहब्बत आप सबकी, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या हमारे पास वक्त है अभी? अगर वक्त तो है तो फिर एक और शमसी साहब एक और सुना दे। तो आप जैसे सामने मुझे कहाँ मिलेंगे बताइए मुझे, जो दुनिया भर से मुझे सुन रहे हैं, नेपाल में, मैसूर में, कनाडा में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, हर जगह। तो मेरी तो आज ईद हो गई। चाहिए था मैं ईद पर कोई मजमून लिख के लाता तो ये मेरी गजल समाप्त फरमाइए आप सबकी। नहीं हमें भी बड़ा बड़ा लुत्फ आ रहा है, हमें भी बड़ा लुत्फ आ रहा है जनाब। आप सबकी मुस्कुराती हुई पेशानियों की नजर है ये नज़्म मेरी, ये गजल मेरी। अर्ज किया है इंतहाई आजिज़ी के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे दरिया को जिंदा कर रहा हूँ। मुझे दरिया को, आप देखिए आप तो बहुत साहिल समंदर पे बैठे हैं, खूबसूरत मंजर देख रहे हैं, आपको देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ। सलामत रहे जी, सलामत रहे, आप सलामत, आपको लाइव दिखा रहे हैं सारी दुनिया में। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत मंजर पे आप बैठे हैं और मैं बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ। समंदर आपके पुश्त पे है लेकिन मेरे सामने है समंदर, ये फर्क है। अर्ज किया है कि मुझे दरिया को जिंदा कर रहा, मुझे दरिया को जिंदा कर रहा, जिंदा कर दिया, जिंदा कर रहा हूँ, मुझे दरिया को जिंदा कर रहा, मैं सहरा में वजीफा कर रहा। दरिया को क्या करें, खुदा मुझको अकेला लग रहा है। वाह वाह, खुदा मुझको अकेला लग रहा है, मैं तन्हाई में सजदा कर रहा हूँ। खुदा मुझको अकेला लग रहा, क्या बात है, मैं तन्हाई में सजदा कर रहा हूँ। शेर समात फरमाइए कि मुझे जल्दी बहुत है, मुझे जल्दी बहुत है, मुझे जल्दी बहुत है, इसलिए अब मैं इन सदियों को लम्हा कर रहा हूँ। मुझे जल्दी बहुत है, मैं इन सदियों को लम्हा कर रहा हूँ। लम्हे का जवाब नहीं है, जवाब बहुत मोहब्बत आपकी, सलामत रहे आप। सदियों को लम्हा कर रहा हूँ, शजर जल जाएगा सूरज के हाथ, शजर जल जाएगा सूरज के हाथों, शजर जल जाएगा सूरज के हाथों, शजर पर अपना बिल्कुल शजर जल जाएगा सूरज के हाथों,
खजर पर अपना साया कर आया कर और सुन है दीवारे जा मैं तंग आकर तुझे कल से दरीचा कर रहा क्या कहने जिद्दत है यानी इसको जिद्दत कहते हैं ना ये बड़ी तनव है सुन है दीवारे जा मैं तंग आकर तुम्हें कल से तुझे कल से दरीचा कर पयंबर तो नहीं शायर तो हूँ ना पयंबर तो नहीं शायर तो हूँ ना ख्यालों को सहीफा कर रहा हूँ गहरा शेर बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश सलामत रहे पयंबर तो नहीं शायर तो होना ख्यालों को सहीफा कर रहा क्या बात है और मक्ता पे से खिदमत है आप सबकी मोहब्बतों की नजर आप सबकी जो इंसानियत से मोहब्बत है जो मुआशरे से मोहब्बत है जो दुखी इंसानियत के लिए आप कलम उठाते हैं अपने खून जिगर से जो आप अशआर पिरोते हैं उसकी नजर अर्ज कर रहा हूँ कि बता दो पत्थरों को आज जाहिर बता दो पत्थरों को आज मैं अपना आप शीशा कर रहा मुझे दरिया को जिंदा कर रहा बहुत मैं चेहरा में वजीफा कर रहा आप सब के लिए बहुत मोहब्बत बहुत अनायत आप सब सलामत रहे बहुत बहुत शुक्रिया आप सब खूबसूरत महफिल में मुझे खाकसार आखिर में सबका शुक्रिया अदा करता है सब दोस्तों का आप आए तशरीफ लाए टाइम निकाला और मजलिस को बड़ी एंजॉय किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपको दोबारा भी आने की तौफीक दे ये महफिलें ऐसे चलती रहे बहुत अच्छी महफिल सजाई आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका राना साहब जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इंतजामिया इसकी हकदार है हम सारी इंतजामिया बड़ी मेहनत करती है और ऐसे ये होता है बड़ी मेहनत से ये सारा काम चल रहा है राणा साहब आप अगर आपके लिए मैं दुआ बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा बहुत छापी होगी आपने इंतहाई खलूस के साथ मोहब्बत के साथ महफिल को जो है रौनक दी और आपने इसका इंतजाम बेहतरीन तरीके से जो है वो संभाला है इस टेक्नोलॉजी के साथ इसके साथ साथ चलना कोई इतना आसान काम भी नहीं है और आप मेरे दोस्त हैं मेरे अहबाब ने सारा साथ दिया है जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इट्स वेरी नाइस मीटिंग यू एक्चुअली इट्स वंडरफुल सीइंग यू ओके जी ओके खुदा हाफिज़ बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा